नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। सुशांत सिंह राजपूत मामले में जब से कोर्ट में एनसीबी ने चार्जशीट फाइल की है, सब लोगों का जो ध्यान है वो रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी पे टिके हुए हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि उनको छोड़ के और 33 लोग एनसीबी के चार्जशीट में इंक्लूडेड है, जिसमें सुशांत के घर के स्टाफ भी है, कुक नीरज, सिद्धार्थ पिटानी, दीपेश सावंत, ये तीनों नाम भी है। आज बात करूंगा इस वीडियो में उन तीनों लोगों के बारे में और कैसे सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत और नीरज ने एक स्टोरी बनाई थी, उसके बारे में आपको बताऊंगा और तीनों को इस वीडियो में मैं एक्सपोज करूंगा। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए दोस्तों। अगर आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरे जो अपडेट्स है आप तक हर वक्त पहुँचते रहे। तो दोस्तों, 14 जून 2020 में जब ये पता चला था कि सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में नहीं रहे और मुंबई पुलिस सुशांत के घर गई थी माउंट ब्लैंक अपार्टमेंट में, उसके बाद सबका स्टेटमेंट लिया गया था और सुशांत के जो कुक है नीरज और सुशांत के जो नौकर है दीपेश सावंत, इनका जो स्टेटमेंट है वो एक तरफ और सिद्धार्थ पिठानी जो सुशांत के कुछ प्रोजेक्ट्स में उनका काम कर रहे थे, इनका भी स्टेटमेंट लिया गया। और आपको तो पता ही है कि सिद्धार्थ पिठानी ड्रग्स मामले में जेल भी जा चुके हैं और हाल ही में उनको बेल मिली है। लेकिन जहां तक बात है इन तीनों के स्टेटमेंट के बारे में, इन तीनों के स्टेटमेंट से यही पता चलता है कि ये तीनों एक बहुत बड़ी स्टोरी बना रहे हैं और एक स्टोरी बना के इसको हमारे सामने पेश कर रहे हैं। सारी चीजें जो ये तीनों ने बोला है अब तक वो झूठ है। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि सुशांत के जो कुक थे नीरज, उनका एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया था जहां पे उनको पूछा गया था कि सुशांत के मौत के दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था। अगर आप सुशांत के कुक नीरज की माने तो सुशांत 14 जून 2020 में सुबह नीरज से नारियल पानी और केला उन्होंने मांगा था और उसके बाद वो रूम पे चले गए थे। आधे घंटे तक सुशांत की कोई आवाज सुनाई नहीं दी, लोगों ने नॉक किया लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। फिर सुशांत के घर पे कॉल किया गया, सुशांत की दीदी को बोला गया कि सुशांत कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं और उसके बाद तुरंत एक चाबी वाले को बुलाया गया जो आके सुशांत के रूम की जो मास्टर लॉक है उसे 5 मिनट में तोड़ दिया और उसके बाद इन सारे लोगों को ये दिखा कि सुशांत हैंगिंग पोजीशन में है। यहाँ पे बहुत सारे झूठ बोले गए हैं। पहला झूठ तो ये है कि इन्होंने बोला है कि सिद्धार्थ पिठानी ने की मेकर को कॉल किया था और 5 से 10 मिनट के अंदर की मेकर पहुंच गया। आपको जैसे पता है कि 14 जून 2020 तब लॉकडाउन चल रहा था और 14 जून एक संडे था, तो संडे में जो की मेकर है उनका दुकान भी बंद रहता है, तो कौन सा वो की मेकर है जिसको कॉल करने के बाद 10 मिनट के अंदर वो सुशांत के फ्लैट में पहुंच जाता है। दूसरा बड़ा झूठ यह है कि जो की मेकर का नंबर है वो सिद्धार्थ पिठानी के मोबाइल में सेव था। सिद्धार्थ पिठानी को कैसे पता था कि 14 जून को की मेकर की जरूरत होगी? की मेकर का नंबर कोई भी मोबाइल में सेव नहीं करता, लेकिन सिद्धार्थ पिठानी एक एक्सेप्शन है, उन्होंने की मेकर का जो नंबर है वो मोबाइल में सेव किया था। तीसरा झूठ जो इन्होंने बोला है वो ये है कि सुशांत के रूम में सुशांत की जो लाश थी वो लटकी हुई थी। ये तो सबसे बड़ा झूठ है क्योंकि आपको पता ही है सुशांत की जो दीदी है प्रियंका सिंह, उन्होंने कुछ ही दिन पहले अपनी इंटरव्यू में बोला था कि जब 14 जून में वो सुशांत के रूम में उन्होंने एंटर किया था तब उन्होंने ये देखा था कि जो बेड का हाइट है और जो बेड से सीलिंग का हाइट है वो सुशांत के हाइट से कम है। तो ये हो ही नहीं सकता कि सुशांत का जो बॉडी है वो वहाँ पे फैन पे लटक रहा था, तो ये इम्पॉसिबल है। और जो कुक है नीरज, जिसका स्टिंग ऑपरेशन किया गया था, नीरज ने एक बार बोला था कि वहाँ पे रस्सी लटका हुआ था और एक बार उन्होंने ये बोला था कि वहाँ पे कपड़ा लटका हुआ था। तो यहाँ पे ये जो झूठ है ये निकल के आया है। और अगर कोई कपड़े के सहारे आत्महत्या करने जाएगा तो वो कभी भी नहीं हो पाएगा। और आत्महत्या के बाद अगर कोई हैंगिंग करके खुद को मारता है तो जो जुबान है, जो आंखें है वो बाहर आएगी, वो सब कुछ नहीं हुआ था। ये जो एक बहुत बड़ा प्लान था वो इसी बात से पता चलता है कि की मेकर ने जब दरवाजा खोला तब की मेकर को लेके नीरज नीचे चले गए,
की मेकर को रूम के अंदर क्या है वो देखने नहीं दिया गया, इसका क्या रीजन हो सकता है? और जब इनको पूछा गया कि किसने पहले रूम में जाके सुशांत को देखा, तब सबने सिद्धार्थ पिठानी का नाम बोला। पहले सिद्धार्थ पिठानी गए थे, उसके बाद दीपेश सावंत गए थे, और उसके बाद जो कुक है नीरज वो रूम के अंदर गए थे। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि तीनों लोग बारी बारी सुशांत के रूम में दाखिल हुए थे? और अगर इनकी बात मान भी लेते हैं कि सुशांत की बॉडी वहां पे हैंगिंग पोजीशन में थी, तो उन्होंने पुलिस को क्यों कॉल नहीं किया, क्यों वो जाके खुद सुशांत के बॉडी को नीचे उतारे? ये सारे जो सवाल है, ये उनकी ये जो कहानी है, ये जो स्क्रिप्ट इन्होंने बनाया है, इसको और भी ज्यादा कमजोर करती है। तो जैसे हम लोगों को ये पता चल रहा है कि ये कहानी है, सीबीआई को भी बहुत अच्छे से ये बात पता है कि ये कहानी है जो ये सारे लोग सुना रहे हैं, सच कुछ और है। मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको ये भी बताया था कि सुशांत की दीदी प्रियंका सिंह जी ने ये भी बोला था कि रूम जो है सुशांत का वो चेंज किया गया था, यानी सुशांत को किसी और रूम में मार के फिर उनको उनके बॉडी को उस रूम में जाके ऐसे प्रोजेक्ट किया गया था कि देख के किसी को पता लगे कि ये सुसाइड है। तो ये एक बहुत ही वीक प्लान था, और ये तीनों लोग सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत और नीरज, ये तीनों लोग एक्सपोज्ड हो चुके हैं, और बहुत जल्द मुझे लगता है कि एनसीबी तो उनको जेल में डालेगी, लेकिन सीबीआई भी बहुत जल्द उनके ऊपर बहुत बड़ा केस फाइल करेगी, मर्डर का केस फाइल करेगी। और अगर ये लोग नहीं बताते हैं कि असल में सुशांत की मौत कैसे हुई थी, किसने सुशांत को मारा था, अगर ये सरकारी गवाह बनने से इनकार करते हैं, तो फिर इनकी खैर नहीं। तो किसी भी एंगल से ये नहीं लगता है मुझे कि सुशांत के जो कातिल है वो एक्सपोज नहीं होंगे, बहुत जल्द सुशांत को न्याय मिलेगा। आपको इस पूरे घटना के बारे में क्या कहना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिए। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद एंड जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत।